नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आप लोगों का स्वागत है। आज अपना जो टॉपिक है बच्चों, वो है समेकित शिक्षा। समेकित शिक्षा जिसको इंटीग्रेटेड एजुकेशन के नाम से भी जाना जा सकता है। समेकित शिक्षा से पहले आप लोगों ने पढ़ा था विशेष शिक्षा। विशेष शिक्षा में मैंने आपको क्या बताया था बच्चों? विशेष शिक्षा में मैंने आपको बताया था ऐसी शिक्षा जो विशेष वातावरण में विशेष प्रशिक्षित अध्यापकों के द्वारा विभिन्न तकनीकों और प्रविधियों के द्वारा दी जाती है, ऐसी शिक्षा को विशेष शिक्षा के नाम से जाना जाता है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा और समावेशी शिक्षा में अंतर समझने से पहले इनके अर्थ, इनके गुणों को देखना पड़ेगा। तो पिछले वीडियो में हमने विशेष शिक्षा के बारे में पढ़ा था कि विशेष शिक्षा क्या है, और इसके लिए मैंने आपको दो परिभाषाएं भी बताई थी, जीडी हंट की और क्रो एंड क्रो की। जीडी हंट कहते हैं कि जब वह शिक्षा जो सामाजिक और मानसिक रूप से सामान्य बालकों से अलग जो होती है, वही विशिष्ट शिक्षा कहलाती है। ये जीडी हंट ने विशेष शिक्षा के बारे में कहा था, ठीक है। उसके बाद जो आज का टॉपिक है बच्चों, समेकित शिक्षा। आपने विशेष शिक्षा के अवगुण भी देखे थे कि बच्चे में क्या होता है। बच्चा जो है अपने आप को सामान्य बालकों से अलग समझने लग जाता है। माता पिता के सहयोग की इसमें आवश्यकता पड़ती है। विशेष शिक्षा का दौर अगर हम चालू रखते हैं तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम हमारे लिए एक कल्पना बन के रह जाता है, क्योंकि विशेष शिक्षा से बच्चे में सामाजिकता का विकास नहीं हो पाता है, बच्चा सामाजिक अभिवृत्ति का विकास नहीं हो पाता है, बच्चा सामाजिक जीवन में जल्दी से ढल नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उनकी एजुकेशन अलग होती है, उनके अध्यापक अलग होते हैं, तो उनके अंदर एक तरीके की हीन भावना भी आ जाती है। विशेष शिक्षा में हमने ये भी देखा कि अलग तरह के प्रशिक्षक अध्यापकों की नियुक्ति की जाती है, अलग रूप से संस्थानों का निर्माण किया जाता है, अलग तरह से बिल्डिंग बनाई जाती है, अलग तरह से उपकरण तैयार करवाए जाते हैं जिसमें काफ़ी खर्चा लग जाता है। तो आज के दौर में विशेष शिक्षा नहीं दी जा सकती, क्योंकि हमारा संविधान किसी भी व्यक्ति या किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव का निषेध करता है। तो हमारा संविधान के अकॉर्डिंग ही अगर विशेष शिक्षा दी जाती है तो अक्षमताग्रस्त बालकों के साथ भेदभाव होगा, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए विशेष शिक्षा को हटा करके 1970 में केंद्र सरकार द्वारा समेकित शिक्षा योजना लाई गई। तो समेकित शिक्षा क्या कहती है वो देखिए। वो ये मानती है कि अक्षमताग्रस्त बालकों को अलग से एजुकेशन दी जानी चाहिए, लेकिन समेकित शिक्षा ये कहती है कि शिक्षा अलग दी जाए, अलग शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाए, अलग उपकरणों के द्वारा पढ़ाया जाए, अलग अध्यापकों के द्वारा उनको पढ़ाया जाए, लेकिन सामान्य बालकों और जो विशेष बालक है, अक्षमताग्रस्त बालक है, उनको एक ही बिल्डिंग में पढ़ाया जाना चाहिए, अलग एक ही विद्यालय में उनको रखा जाना चाहिए। मतलब यह है कि सामान्य विद्यालय और इंटीग्रेटेड विद्यालयों के लिए एक ही संस्था, एक ही विद्यालय होना चाहिए। मतलब साफ यही है कि सामान्य बालकों और विशेष बालकों को एक करने की योजना है समेकित शिक्षा योजना। मानती है विकलांगता समस्या है, विकलांग जो गंभीर है उनको सामान्य बालकों के साथ पढ़ाए जाने से पहले उन्हें विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, ये समय की शिक्षा मानती है बच्चों। डॉक्टर अखिलेश यादव ने समेकित शिक्षा की बहुत ही सुंदर परिभाषा दी है बच्चों। क्या कहा है? असमताग्रस्त बालकों को कुछ समय के लिए
सामान्य बालकों के साथ अंतःक्रिया का मौका, जैसे खेलकूद उनको साथ में करवाया जाए, लंच उनको साथ में करवाया जाए, इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जाए, एक साथ वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए, एक साथ चित्रकला का आयोजन किया जाए, एक साथ बच्चों को लैब में भेजा जाए, तो कई ऐसी सोशल एक्टिविटी उनके साथ, सामान्य बालकों के साथ उनको मौका दिया जाना चाहिए। ये कहती है बच्चों इंटीग्रेटेड एजुकेशन। उसके बाद देखिए, परंतु उनका शिक्षण कार्य क्या होता है बच्चों? उनको शिक्षण कार्य अलग अलग हो, उनको अलग विद्यालय में पढ़ाया जा सकता है या एक ही विद्यालय में अलग अलग क्लासरूम में पढ़ाया जा सकता है, लेकिन कुछ समय विद्यालय के कुछ समय ऐसा निकाल करके ताकि सामान्य बालक और अक्षमताग्रस्त बालक एक दूसरे में समन्वित हो सके, एक दूसरे को समझ सके, और अक्षमताग्रस्त बालक सामान्य बालकों के साथ रह करके अपनी सकारात्मक दृष्टि जो विचार है उसको और ज्यादा दृढ़ कर सके, इसके लिए समय की शिक्षा का प्रावधान बच्चों किया गया था। तो विशेष शिक्षा और समय की शिक्षा में क्या फर्क है? विशेष शिक्षा में अलग से अध्यापक, अलग से तकनीक, अलग से विद्यालय, विशेष नियंत्रित वातावरण दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर अलग से बच्चों को वातावरण नहीं दिया जाता है। हाँ, अलग से उनको पढ़ाया जाता है, लेकिन अलग से वातावरण नहीं दिया जाता है। एक ही संस्था के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बालक और सामान्य बालकों को पढ़ाया जाता है। तो समय की शिक्षा जो है और विशेष शिक्षा में फर्क यही है बच्चों कि विशेष शिक्षा भेदभाव को सिखाती है, जबकि समय की शिक्षा समान अवसर का मौका प्रदान करती है। देखो बच्चों, जो मैं ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आपके जो मैंने बोर्ड पे लिखा है बच्चों, वो भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इन नोट्स को जो मेरे बोर्ड पे लिखे हुए हैं उनको अपनी कॉपी में डेली उतारते जाइए, जिससे आपकी बीएड की तैयारी होती जाएगी। जो भी मेरा वीडियो देखे बच्चों, वो ढंग से इस वीडियो को देखे, समझे, जो चीज़ समझ में नहीं आए उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे बच्चों। अब बात आती है, मैंने क्या बताया कि डॉक्टर अखिलेश कहते हैं कि अक्षमताग्रस्त बालकों को कुछ समय के लिए सामान्य बालकों के साथ अंतःक्रिया का मौका देना, लेकिन उनका शिक्षण कार्य अलग अलग हो सकता है, अलग अलग होता है, चाहे वो एक विद्यालय में हो, चाहे वो अलग अलग विद्यालयों में दी जाए, लेकिन कुछ समय बच्चों को सामाजिक विवृत्ति या एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने का अवसर दिया जाना ही समेकित शिक्षा कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब बात आती है कि समेकित शिक्षा को प्रारंभ करने के पीछे कौन कौन से लक्ष्यों को निर्धारित किया गया, कि इस योजना या इस एजुकेशन के द्वारा बच्चे में क्या क्या डेवलप किए जाने का प्रयास किया जाएगा। तो देखिए इसके लक्ष्य क्या है बच्चों, न्यूनतम प्रतिबंधित परिवेश उपलब्ध करवाना। विशेष विद्यालयों में बच्चों को नियंत्रित वातावरण दिया जाता है, जबकि समेकित शिक्षा ये कहती है कि बच्चों को उचित वातावरण, खुला वातावरण दो, उसको नियंत्रित वातावरण नहीं देना। प्रतिबंधित, न्यूनतम प्रतिबंधित वातावरण में बच्चे को शिक्षा प्रदान करना समेकित शिक्षा का मेन मोटिव माना जाता है। उसके बाद आता है बच्चों, औपचारिक शासकीय विद्यालयों में धीरे धीरे सुसंबद्ध करना। मैंने आपको बताया एक ही विद्यालय में जैसे दृष्टिहीन है, स्वर्णहीन है, उनको अलग क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा, लेकिन जैसे ही वो बच्चे सामान्य बालकों के साथ घुल मिल जाएंगे और अध्यापक को लगने लग जाएगा कि हाँ ये बच्चा सामान्य बालकों के साथ एक ही क्लासरूम में पढ़ सकता है, तो उसको सामान्य बालकों के साथ पढ़ाया जाना प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो औपचारिक विद्यालय जो कि सामान्य बालकों के साथ जुड़े हुए हैं,
उन विद्यालयों से सुसंबद्ध करना समेकित शिक्षा का मेन मोटिव माना जाता है बच्चों। फिर आता है समाज के अन्य सदस्यों के साथ जीवन व्यतीत करने हेतु तैयार करना। आप जानते हो जब विशेष ऐश अभिक्षमता वाला बालक चाहे वो दृष्टि बाधित हो चाहे वो स्वर्ण बाधित हो, अगर वो बच्चों के साथ खेलेगा, उनके साथ लंच करेगा, उनके साथ वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेगा, चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेगा, सामाजिक गतिविधियों में भाग लेगा, तो बच्चा क्या सीखेगा बच्चों? समाज के अन्य लोगों के साथ जीवन व्यतीत कैसे होता है, समाज की अवधारणाएं क्या है, तो समाज की गतिविधियां क्या है, समाज में कैसे इंसान अपने को समायोजित कर सकता है, ये समेकित शिक्षा का सपना है कि समाज के अन्य लोगों के साथ जीवन व्यतीत करने हेतु तैयार करती है बच्चों समेकित शिक्षा। उसके बाद आता है बच्चों मानव क्षमता विकसित करने हेतु अध्यापकों का समर्थन। आपको मैंने बताया एक ही बिल्डिंग में सामान्य अध्यापक और विशेष बालक दोनों को शिक्षा दी जा रही है। अब आप जानते हो एक तरफ अध्यापक पढ़ा रहे हैं, एक तरफ विशेष अभिक्षमता को पढ़ाने वाले अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो उन दोनों का की कनेक्टिविटी एक दूसरे के साथ रहती है, वो समझ पाते हैं कि कब बच्चे को सामान्य विद्यालयों में डाला जा सकता है। तो मानव क्षमता को ध्यान में रखते हुए, मानव क्षमता जब बच्चे में विकसित हो जाती है विशेष अभिक्षमता या अक्षमता वाले बालक में, तो ये पहचान पाते हैं समय की शिक्षा में, क्योंकि एक ही विद्यालय में सामान्य अध्यापक और ऐसी स्पेशल एजुकेशन को पढ़ाने वाले अध्यापक एक साथ बैठते हैं और उस मीटिंग्स में मानव क्षमता के आधार पर क्या करते हैं, बच्चे को ट्रांसफर करते रहते हैं। विशेष विद्यालयों या विशेष शिक्षण विधियों से पढ़ाने के बावजूद उनको धीरे 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 सामान्य बालकों के साथ पढ़ाना प्रारंभ किया जाता है। उसके बाद आप तक तो समझ में आए लक्ष्य। समय की शिक्षा का पहला लक्ष्य बोलो न्यूनतम प्रतिबंधित परिवेश उपलब्ध करवाना। दूसरा है औपचारिक शासकीय विद्यालयों में धीरे धीरे सुसंबद्ध करना। समाज के अन्य सदस्यों के साथ जीवन व्यतीत करने हेतु तैयार करना। मानव क्षमता विकसित करने हेतु अध्यापकों द्वारा समर्थन। अब आती है बच्चों विशेषताएं। किसकी? समेकित शिक्षा। समेकित शिक्षा क्या करती है बच्चों? अभावग्रस्त बालकों का समावेशन करती है समाज के साथ, सामान्य विद्यालयों के साथ, सभी प्रकार के विकलांगता के जो बच्चे हैं वो अगर एक साथ बैठकर बात करते हैं, एक साथ बैठकर लंच करते हैं, एक साथ बैठकर खेलते हैं, ड्राइंग करते हैं, वाद विवाद करते हैं, तो उन बच्चों का एक दूसरे के साथ समावेशन हो जाता है। तो समेकित शिक्षा का की विशेषता है कि अभावग्रस्त बालकों का आंशिक समावेशन हो जाता है। उसके बाद आता है सामान्य बालकों के साथ स्वस्थ सामाजिक संबंध। आप जानते हो बच्चा जब अक्षमताग्रस्त बालक एक दूसरे के साथ रहेंगे तो उनके जो सामाजिक संबंध है वो धीरे धीरे अच्छे बनेंगे। विशेष क्षमता वाले जो बालक है उनके अंदर हीन भावना नहीं आएगी, सकारात्मक सोच का विकास होगा। अगर वो किसी काम में अच्छा करते हैं तो उनमें अभिप्रेरणा का विकास होगा और क्या होगा, उनमें स्वस्थ सामाजिक संबंधों का विकास होगा। उसके बाद आता है सामाजिक गतिविधियों से परस्पर लगाव। आप जानते हो मैंने बताया भी था कि एक बच्चा जो आत्मविमोही है अपनी ही दुनिया में रहता है, लेकिन अगर स्कूल में अगर उसको उचित वातावरण दिया जा रहा है, वो सामाजिक गतिविधियों में अगर धीरे 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 उसको लगाया जा रहा है तो बच्चा सामाजिक गतिविधियों से लगाव करने लग जाता है, सामाजिक समारोह में भाग लेने लग जाता है, समाज सेवा या समाज से संबंधित कोई भी विचार अगर समाज में उठ रहा है तो वो उसके प्रति अपनी सोच डेवलप करने लग जाता है बच्चों। समान शैक्षिक अवसर। आप जानते हैं
अब विशेष शिक्षा भेदभाव उत्पन्न करती है, अलग से विद्यालय, अलग से टीचर, अलग से शिक्षण विधि, अलग से पाठ्यक्रम। लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर है कि एक ही पाठ्यक्रम को सभी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, समान शैक्षिक अवसर बच्चे को उपलब्ध हो रहे हैं कि सभी बच्चे एक साथ सामान्य गतिविधियों में भाग ले रहे हैं, सभी बच्चे खेलकूद प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, सभी बच्चे लेबोरेटरी में जा रहे हैं, सभी बच्चे अन्य प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं, तो बच्चे को समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध होते हैं, बच्चे को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत सभी की सहभागिता सुनिश्चित होती है, योग्यताएं विकसित होगी। आपको पता है, मैंने बताया भी है अभी, कि अगर विशेष अभिक्षमता वाले बालक, विशेष आवश्यकता वाले बालक और इधर सामान्य बालकों को एक साथ कनेक्टिविटी दी जाएगी तो बच्चे में अनेक योग्यताओं का विकास होगा, वो सामान्य बालकों से बहुत कुछ सीखेगा और उनके बीच मन में अलग अलग योग्यताओं का विकास हो सकता है। आपको बताया भी था मैंने कि अगर दृष्टि बाधित बच्चा है वो भी प्रतिभाशाली है, सृजनशील बन सकता है, लेकिन अगर बच्चे को उपयुक्त वातावरण दिया जाए, शिक्षकों द्वारा उनको समान लगाव रखा जाए, शिक्षक द्वारा विभिन्न टेक्निक से अगर उनको पढ़ाया जाए, ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाए, तो वो बच्चा उसकी योग्यताओं का बहुत अच्छा विकास हो सकता है और आगे जाकर के वो बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है। तो ये विशेषताएं हैं समेकित शिक्षा की। एक बात और देख लीजिए, अभावग्रस्त बालकों का आंशिक समावेशन करना, ऐसा वातावरण जिसमें सीखने की प्रक्रिया में क्या हो, कम बाधा हो, ऐसा वातावरण बच्चों को उपलब्ध करवाया जाता है ताकि सीखने की प्रक्रिया में कम से कम बाधा उत्पन्न हो। देखो बच्चों, मैंने बताया कि एक ही विद्यालय में दृष्टि बाधितों को अलग पढ़ाया जाता है, स्वर्ण बाधितों को अलग पढ़ाया जाता है, मानसिक विकलांगता को अलग पढ़ाया जाता है, सामान्य बालकों को अलग पढ़ाया जाता है, ताकि उनकी सीखने की प्रक्रिया में क्या नहीं हो, धीमापन न आए। अगर स्वर्ण ही और दृष्टि इनको एक साथ बिठा दिया जाएगा तो क्या सीखने की गति में बाधा नहीं आएगी, आएगी। इसीलिए, क्योंकि दृष्टिहीन जो बालक है वहां पे दृष्टि यंत्र लगाए जाएंगे, ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाएगा, स्वर्णहीन जो बालक है वहां पर अलग से पाठ्यक्रम बनाया जाएगा, तो उनको अलग अलग शिक्षा दी जाए लेकिन उनका सामाजिकरण किया जाए, उनको एक साथ रहने दिया जाए, ये कहता है कौन सी शिक्षा, समेकित शिक्षा। तो अभावग्रस्त बालकों का आंशिक समावेशन करना, ऐसा वातावरण बच्चे को देना ताकि सीखने की प्रक्रिया में बाधा पैदा नहीं हो, सामान्य बालकों के साथ स्वस्थ सामाजिक संबंध बनाए जा सकते हैं, कौन सी शिक्षा से बच्चों, समेकित शिक्षा से, समान शैक्षिक अवसर बच्चे को उपलब्ध होते हैं और उसकी योग्यताओं का क्या होता है बच्चों, विकास होता है। ये है समेकित शिक्षा की विशेषताएं। अब बात आती है समेकित शिक्षा में ऐसी कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं, तो वो आप पढ़ ही चुके हो, जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं वही क्या बन जाएंगे, गुण बन जाएंगे। आपने देखा बच्चे की विशेष आवश्यकताओं पर जोर दिया जाता है। समय की शिक्षा का पहला गुण ये है कि दृष्टिहीन बालकों को अलग, स्वर्णहीन बालकों को अलग, मानसिक विकलांगता को अलग अलग बिठाया जाता है, उनकी आवश्यकताओं को देखा जाता है, उनकी पहचान की जाती है, तो आवश्यकताओं पर जोर दिया जाता है। कौन सी शिक्षा में, समेकित शिक्षा में। बेहतर सामाजिकरण, जब बच्चा अलग अलग पढ़ाया जाता है लेकिन एक साथ लंच करते हैं, एक साथ प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, तो उनमें सामाजिक भावना का विकास होता है। तो विशेष शिक्षा में बच्चे में जितना सामाजिकरण नहीं होगा जितना समेकित शिक्षा में होगा। प्रक्रिया पर जो, इसमें कहा जाता है कि बच्चे का जो क्रियाकलाप है उन्हीं क्रियाकलापों को क्या करना है, उस पर जोर देना है, ऐसा वातावरण बनाना है ताकि बच्चा समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध हो सके, बच्चे का सामाजिक विकास उत्पन्न हो सके, बच्चा सामाजिक क्रियाकलापों में रुचि लेने लग जाए। तो विकलांगता एक समस्या है, ये समय की शिक्षा मानती है। असक्षम बालकों में परिवर्तन, आपको मैंने बताया
दृष्टिहीन बच्चे को विशेष तकनीकी और प्रविधियों से शिक्षा दी जाती है, लेकिन धीरे 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 उसके व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है ताकि वो दैनिक जीवन के क्रियाकलाप करने लग जाता है, लिखने लग जाता है, बोलने लग जाता है, उच्चारण करने लग जाता है, इस समाज के वातावरण को समझने लग जाता है। तो समझ जाओ बच्चों क्या कि उस बालक के में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो असक्षम बालकों में परिवर्तन आता है कौन सी शिक्षा से, समेकित शिक्षा से। विशेष सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा, दृष्टिहीन, स्वर्णहीन, सामान्य बालक, प्रतिभाशाली, सृजनशील, सब बालक एक साथ मिलकर के रहते हैं तो उनमें सामाजिक एकीकरण की भावना डेवलप हो जाती है। विशेष शिक्षा की तुलना में कम खर्च, जब एक ही विद्यालय में बच्चे अध्ययन करेंगे, तो विशेष शिक्षा की तुलना में कम खर्च आएगा। क्योंकि एक ही जगह, एक तो आवासीकरण हो जाएगा उनका, तो परिवहन की सुविधा बच जाएगी, परिवहन का खर्चा बच जाएगा। और विशेष शिक्षा में स्पेशल एजुकेशन के तहत बच्चों को अलग से वातावरण, विशेष टेक्निक्स की अलग से प्रविधियों का विकास किया जाता है, तो विशेष शिक्षा में समय की शिक्षा से ज़्यादा खर्चा आता है। विशेष शिक्षा महंगी है, समय की शिक्षा विशेष शिक्षा की तुलना में सस्ती है। फिर आता है छात्रों की बेहतर उपलब्धि, मैंने बता ही दिया, जब समान शैक्षिक अवसर बच्चे को उपलब्ध होंगे, बच्चे का सामाजिकरण होगा तो बच्चे में क्या आएगा, सुधार आएगा। दृष्टिहीन और स्वर्णहीन बालक भी प्रतिभाशाली और सृजनात्मक क्षमताओं से युक्त हो जाएगा और इस समाज में वो बहुत ही आगे जा सकता है। फिर आता है संस्थानीकरण और आवागमन में खर्च, जब आपको पता है बिल्डिंग्स नहीं होगी, अलग से चेयर्स नहीं आएगी, अलग से मशीनीकरण नहीं आएगा, सभी साधन एक जगह उपलब्ध हो जाएंगे, तो संस्थानीकरण और आवागमन दोनों के खर्चों में क्या होगी, कमी होगी। पाठ्यक्रम पर बल, समय की शिक्षा में सबसे ज्यादा ऐसा पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है ताकि दृष्टिहीन, स्वर्णहीन, मानसिक विमंदता वाले बालक ऐसा अध्ययन कर पाए ताकि वो इस सामाजिक विकास या सामान्य बालकों के साथ अभिवृद्धि कर सके, अभिरुचि पैदा कर सके, सकारात्मक सोच विकसित कर सके, अपनी योग्यताओं में विकास कर सके, अपने आप में परिवर्तन कर सके। तो इसके लिए पाठ्यक्रम पर क्या दिया जाता है, जोर दिया जाता है, सकारात्मक सामाजिक अभिवृद्धि का विकास। आपको मैंने आपको बताया कि जब बच्चा सामान्य बालकों के साथ बैठेगा, वाद विवाद में अगर एक स्वर्णहीन बालक या दृष्टिहीन बालक बहुत अच्छा कर पाता है तो उसमें एक सकारात्मक विचार आता है कि मैं भी सामान्य बालक से कम नहीं हूँ, माना मेरे में विकलांगता है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर ईश्वर एक कमी छोड़ता है तो एक विशेष गुण भी प्रदान करता है। तो विकलांगता को पहचानना है, उस असक्षम हर बच्चे को पहचानना है कि ईश्वर ने उसको वह विशेष गुण क्या दिया है, तो उस विशेष गुण को उभारना ही समय की शिक्षा का महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। तो एक बार ध्यान से सुन लीजिए, समय की शिक्षा विशेष आवश्यकताओं पर बल देती है, समय की शिक्षा बेहतर सामाजिकरण करती है, समय की शिक्षा कार्यकलापों की प्रक्रिया पर जोर देती है, समय की शिक्षा मानती है कि विकलांगता एक समस्या है और इससे का हम निराकरण कर सकते हैं। असक्षम बालकों में परिवर्तन होता है समय की शिक्षा से, सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा मिलता है, विशेष शिक्षा की तुलना में खर्चा कम होता है, छात्रों की बेहतर उपलब्धि होती है, संस्थानीकरण और आवागमन खर्च में बचत होती है, सकारात्मक सामाजिक अभिवृद्धि का विकास होता है और पाठ्यक्रम पर इसमें ज्यादा जोर दिया जाता है जिससे उसकी योग्यताओं का विकास होता है। तो आज हमने समय की शिक्षा का अर्थ, लक्ष्य, विशेषताएं और गुण पढ़े। नेक्स्ट जो बच्चों टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे समय की शिक्षा की सीमाएं, क्या है समय की शिक्षा की सीमाएं, तो बच्चों दया की भावना पर आधारित। तो समय की शिक्षा की सीमा की अगर हम बात करें, आज ही पढ़ लेते हैं, फिर कल से अपन जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे समावेशी शिक्षा।
तो सीमाओं क्या है, सभी बालकों की आवश्यकताओं की क्या नहीं कर सकता, पूर्ति नहीं कर सकता। कौन? समय की शिक्षा। दया की भावना आ जाती है, समाज में बच्चा एक साथ खेलता है तो सामान्य बालक की एक विशेष अक्षमता वाले बालक में क्या आ जाती है, दया की भावना आ जाती है। सीमित संसाधन, साधन अगर सीमित होते हैं तो ये भी समस्या आती है, एक ही विद्यालय में सारे संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, और इसमें इस जो समय की शिक्षा है उसमें अध्यापकों और अभिभावकों दोनों के बेहतर योगदान की आवश्यकता होती है और वो कई बार पॉसिबल नहीं हो पाती है बच्चों, ठीक है। अब आती है कि समय की जो शिक्षा है उसके अंतर्गत कौन कौन सी गतिविधियों पर ज्यादा जोर दिया जाता है, समावेशी शिक्षा क्या है, इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो एक बार और देख लेते हैं, समय की शिक्षा डॉक्टर अखिलेश के अनुसार अक्षमताग्रस्त बालकों को कुछ समय के लिए सामान्य बालकों के साथ अंतःक्रिया करवाना ही क्या कहलाता है, समेकित शिक्षा कहलाता है, और उनका शिक्षण कार्य अलग अलग होता है लेकिन अंतःक्रिया करने का जब मौका दिया जाए तो वो शिक्षा कहलाती है बच्चों, कौन सी, इंटीग्रेटेड एजुकेशन। उसके बाद आता है न्यूनतम प्रतिबंधित परिवेश उपलब्ध करवाना, औपचारिक शासकीय विद्यालयों में प्रवेश दिलाना, समाज के अन्य सदस्यों के साथ जीवन व्यतीत करना सिखाना, मानव क्षमता विकसित करना, ये है समेकित शिक्षा के लक्ष्य। अब आता है समय की शिक्षा अभावग्रस्त बालकों का आंशिक समावेशन करती है, ऐसा वातावरण उपलब्ध करवाती है जिसे सीखने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न न हो, सामान्य बालकों से स्वस्थ सामाजिक संबंध स्थापित करवाती है, सामाजिक गतिविधियों से बच्चे का लगाव होने लग जाता है, बच्चे को समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध होने लग जाते हैं और बच्चे की योग्यताओं का विकास होता है। विशेष आवश्यकताओं पर समय की शिक्षा में जोर दिया जाता है, गुण है ये, बेहतर सामाजिकरण का विकास होता है, प्रक्रिया पर जोर दिया जाता है, विकलांगता एक समस्या है इस बात को स्वीकार करता है, असक्षम बालकों में परिवर्तन होता है, सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा दिया जाता है, विशेष शिक्षा की तुलना में कम खर्च होता है, छात्रों की बेहतर उपलब्धि, संस्थानीकरण और आवागमन में खर्च, सकारात्मक सामाजिक अभिवृत्ति और पाठ्यक्रम पर बल। तो आज हम अपना टॉपिक था समय की शिक्षा। देखो बच्चों, अगर समय की शिक्षा को समझना है तो आप मेरे वीडियो को ध्यान से सुने और बोर्ड पर लिखे हुए जो नोट्स हैं उनको लिखते जाइए, क्योंकि सभी एग्जामों के दृष्टिकोण से मेरे ये नोट्स आपको बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। अभी तक भी मैंने जो देखा है, बीएड शिक्षाधारी वीडियो को ध्यान से देखें, उनको सुने, और जो नहीं देख पा रहे हैं, जो कम देख पा रहे हैं, वो अपने जो भी क्वेश्चन मैं दे रही हूँ उसका पीडीएफ बना के मेरे को भेजें और कमेंट बॉक्स में डालें कि अब हम जो है इन सब गुणों में, आवश्यकताओं में, लक्ष्यों में किन किन चीज़ों को जोड़ सकते हैं और बहुत अच्छा अपना परफॉर्म दे सकते हैं और बीएड एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ तो जितने ज़्यादा हो सके लाइक्स करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बटन पर, बेल आइकन बटन पर क्लिक करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने प्रतिभा को दिखा सकूं और अपने वीडियोस और अपनी शिक्षा की जो विद्वता है उससे आपको चीज़ों को समझा सकूं, शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रॉब्लम्स है उसको शॉर्ट आउट कर सकूं। तो आप चाहते हैं तो नव भारती ग्रुप को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक होगा समावेशी शिक्षा।